अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही झटपट और मज़ेदार वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी। इससे पहले बहुत सी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर की हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और बेहद आसान रेसिपी है। अगर आप लोगों के बच्चे भी सब्ज़ियाँ नहीं खाते, उसके अलावा ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, तो ये रेसिपी 2-in-1 है। नाश्ता भी करके जाएंगे और वेजिटेबल्स भी खाई जाएंगी। तो रेसिपी को आपने ज़रूर से ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अपनी इस आसान और बेहद मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, हमने यहाँ पर 3 अदद अंडे लिए हैं जिनको हमने बॉईल कर लिया। ये हम इस तरह से मैश कर लेंगे। आप लोग ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को ईजी लगे वैसे कर लें। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही अंडे मैश हो जाएंगे तो हमने इसमें ऐड कर देनी है वेजिटेबल्स। तो देखें, वैसे बच्चे अंडे भी शौक से नहीं खाते, तो अगर आप लोग इस तरह से सैंडविच बना देंगे, एक तो वो वेजिटेबल भी खा लेंगे और दूसरा अंडा भी खा लेंगे और मज़े ले लेकर खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश भी करेंगे। तो देखें, यहाँ पर अब हम वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, जिसमें मैंने 1 अदद गाजर लिया, इसको हमने ग्रेट कर लिया। और इसके अलावा ये 1 अदद ही हमने खीरा लिया, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और खीरे को देखें, मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट किया, इस तरह से छोटा छोटा। और इसके अलावा ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 कप मैंने बंद गोभी का लिया, हम इसमें डाल देते हैं। वेजिटेबल आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो भी ऐड करना चाहते हैं इसमें कर लें। कॉर्न आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं या शिमला मिर्च ऐड करना चाह रहे हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है, कुछ भी ऐड कर लें। जो बच्चे ज़्यादा शौक से नहीं खाते वो सैंडविच में डाल दें, सैंडविच की वजह से बच्चे सब कुछ खा लेंगे। अब हमने इन सारी वेजिटेबल्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना। तो रेसिपी बेहद आसान है, आपकी 5 से 10 मिनट के अंदर सैंडविचेस बनकर तैयार हो जाएंगे। या आप लोग ये फिलिंग बनाकर रख भी सकते हैं और फिर बच्चों को ब्रेकफास्ट में जस्ट सैंडविच बनाकर दे दें और साथ में लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये देखें, इस तरह से सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब हम इन वेजिटेबल्स को साइड पर करेंगे और सबसे पहले इसके लिए एक मेयो सॉस तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सैंडविचेस में ज़्यादा मज़ा दुबाला करना होता है। तो मेयोनीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा, मेयोनीज़ ऐड करने से सैंडविच में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और खाने में भी मज़ा आता है। तो इस तरह से देखें, हमने 1 अदद प्यारा सा बाउल ले लिया और इसमें हमने ऐड कर देनी है यहाँ पर 1/2 कप मेयोनीज़। मेयोनीज़ आप लोग टोटली अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लें, ज़्यादा करनी है या कम करनी है आप लोगों की मर्ज़ी है। ये देखें, 1/2 कप मेयोनीज़ मैंने ऐड कर दी है। साथ ही इसमें यह टेस्ट के लिए 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करी और इसके अलावा 1/2 टीस्पून नमक ऐड करी। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें टोटली। और अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी सैंडविच की रेसिपी अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दें, अभी से एक प्यारा सा कमेंट कर दें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताया करें, जब आप लोग ये रेसिपी बना लेते हैं तो आप लोगों के घर वालों को क्या रिएक्शंस थे और आप लोगों को चीज़ कैसी लगी है जो आप लोगों ने बनाई है। और इसके अलावा अब देखें, यहाँ पर हम सारी जो वेजिटेबल्स मिक्स करके रखी हैं ये मेयोनीज़ में ऐड कर देंगे इस तरह से, और बस इसे मिक्स कर देंगे और ये हमारी मज़ेदार और बेहद आसान फिलिंग तैयार हो जाएगी सैंडविचेस की। ये देखें कितना आसान काम है, आप लोग इसे कभी भी कर सकते हैं। जैसे लेट नाइट क्रेविंग होती है, फ्रिज में आप लोग बना कर रख लें, दिल कर रहा है जैसे ब्रेड के स्लाइसेस उठाएं और सैंडविच बना कर खा लें जब आप लोगों का दिल करे। और इसके अलावा आप लोग फ्री टाइम में भी ये सैंडविचेस इंजॉय कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी रेसिपीज शेयर की हुई हैं सैंडविचेस की, एग सैंडविच की और पोटैटो चीज़ी सैंडविच की, इसके अलावा चिकन टिक्का सैंडविच की भी की है और भी बहुत सी की है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। तो 1/2 कप मैंने मेयोनीज़ पहले डाली थी, वो अगर आप लोग ज़्यादा मेयोनीज़ पसंद नहीं करते तो इतनी इनफ होगी। हमारे घर में स्पेशली मेरी जो छोटी बहन है वो मेयोनीज़ बहुत ही शौक से खाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसमें थोड़ी सी और मेयोनीज़ ऐड करी हूँ। मेरे सामने खड़ी हुई है वो, तो इस तरह से देखें मैं और इसमें डाल रही हूँ। आप लोगों को अगर इतनी काफ़ी लग रही है तो आप लोग इतनी रहने दे सकते हैं। तो जब तक हम यहाँ पर चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक काम बता देती हूँ, बोर होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी कर दें, और साइड पर देख लें चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखें, बैठे ही बैठे मैंने आप लोगों को 3 काम बता दिए हैं, अगर आप लोग इसे कर लेंगे तो बोर नहीं होंगे। यहाँ पर देखें, फिलिंग हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। और इसके अलावा ये हमने ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लिए। सबसे पहले ब्रेड के स्लाइसेस की साइड्स कट करेंगे, और ये जो ब्रेड की साइड्स होती हैं इनको वेस्ट बिल्कुल भी मत किया करें, ब्रेड क्रम्स बना लिया करें इनके, जो कि आगे बहुत सी रेसिपीज़ में काम आती हैं। अब देखें, साइड्स हमने कट कर लिया, अब हम इसमें ऐड कर देंगे फिलिंग। और फिलिंग ऐड करते हुए सैंडविच में एकदम जूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, अच्छा खासा भर के ऐड करेंगे, ताकि बच्चे जब खाएँ तो बच्चों का एक सैंडविच से ही पेट भर जाए और लेकिन वो बाद में दूसरे की फरमाइश भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। अब देखिए, यहाँ पर फिलिंग हमने अच्छे से ऐड कर दी है, अब हम करेंगे इसकी कटिंग।
मैं यहाँ पर ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ, आप लोग किसी भी शेप में कट कर सकते हैं या बच्चों को ऐसे भी दे सकते हैं, जो सी शेप बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस शेप में कट कीजिएगा, या आप लोग मल्टीपल शेप्स में भी कट कर सकते हैं और एक प्लेट में रख के दे दें, फिर बच्चे खाते भी रहेंगे और बच्चों से शेप्स भी पूछ लीजिएगा, इस तरह से उनकी स्टडी भी हो जाएगी और वो मज़ेदार सी चीज़ भी खा लेंगे। अब यहाँ पर हम एक और सैंडविच आपको तैयार करके दिखा देते हैं, ये देखें इस तरह से जस्ट सेम हमने ब्रेड का स्लाइस लेना है, इसमें फिलिंग ऐड करेंगे और इसके अलावा अब मैं इसको दूसरी शेप में कट करूँगी, ये देखें इस तरह से। तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सैंडविच तैयार हुए थे, बच्चे क्या ये बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे, हमारे घर में बहुत शौक़ से खाए गए थे, तो मैंने आप लोगों के साथ ये मज़ेदार रेसिपी शेयर किया। अब सारे सैंडविचेज हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और फिर डिश आउट करके आपसे इनके फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजर्स देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बेहद आसान हमारे यहाँ पर 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार होने वाले सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने फिलिंग बना कर रखी हुई है तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस सैंडविच बनाने में। रेसिपी को आपने ज़रूर से ट्राई करना, रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें। देखें माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार इसकी फिलिंग नज़र आ रही होगी आपको, तो हमने खाया था, मैंने बहुत इन्जॉय किया। रेसिपी को आपने ट्राई करना, रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।